नीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं मौलेमा जाकिरा रोजा आज आपके सामने मजमून हिसाब उन्वान सबक जर जरब का अमल हल करना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने जमा और तफरीक ये दोनों अलामतों के हिसाब हल करे थे। बच्चों तुमने देखे होंगे, तो आज हम जर ये हिसाब हल करेंगे। तो बच्चों जर यानी क्या? कोई भी एक चीज दी हुई है और ज्यादा की कीमत मालूम करना हो तो उसे हम कहते हैं जर का अमल। तो इस तरह बच्चों हम देखो ये हिसाब हल करेंगे। चार सैकड़ा जरब पांच। सैकड़ा यानी क्या बच्चों? सैकड़ा यानी सौ। इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई यानी एक। एक से नौ तक जब हम गिनते हैं तो एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पाँच इकाई, छः इकाई, सात इकाई, आठ इकाई, नौ इकाई, और जब दस होता है तो एक दहाई होता है। एक दहाई में एक सिफर लगता है। अब एक दस ग्यारह ऐसे हम नन्यानों तक पढ़ते हैं तो नन्यानों में दहाई होता है। नन्यानों के बाद सौ। सौ यानी दो सिफर लगते हैं तो सैकड़ा यानी सौ। तो सैकड़ा सौ में कितने सिफर होते हैं बच्चों? दो। एक दो। अब ये सैकड़ा के दो सिफर हम लगा देंगे। अब चार का पारा पाँच तक, चार पंजे बीस, तो हमारा जवाब आया 2000। चार सैकड़ा जरब पाँच बराबर 2000। उसी तरह बीस जरब तीन सैकड़ा। तो इसमें सैकड़ा यानी अभी मैंने बताई सौ, सैकड़ा यानी सौ। सौ में कितने सिफर लगते हैं? दो, और यहाँ पर एक सिफर, ये तीन, तीन सिफर है। अब ये सिफर हो गया। अब दो का पारा तीन तक पढ़ना है। दो एका दो, दो दुए चार, दो दिया छः, यानी हमारा जवाब आया 6000। 20 जरब तीन सैकड़ा बराबर 6000। 40 जरब 500। अब देखो बच्चों, यहाँ सैकड़ा दिए थे, तीन सैकड़ा यानी 300। अब यहाँ डायरेक्ट 500 लिखा हुआ है, 500 यानी पाँच सैकड़ा। तो 40 जरब 500। तो 40 में एक सिफर है, 500 में दो सिफर है, एक दो तीन। तो हम पहले तीन सिफर लगा देंगे। अब चार का पारा हम पाँच तक पढ़ेंगे। चार एका चार, चार दुया चार, तिया बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, यहाँ लिखेंगे बीस, यानी 40 जरब 500 बराबर 20000। यहाँ 2000 है और यहाँ 20000 है। 2000 में तीन सिफर, 20000 में चार सिफर होते हैं। अब 800 जरब पाँच। 800 में कितने सिफर है? दो, एक दो। आठ का पहाड़ा पाँच तक पढ़ना है। आठ एक आठ, आठ दुए सोलह, आठ तेरह चौबीस, आठ चौक बत्तीस, आठ पंजे चालीस, ये 40 लिख दिए। तो 800 जरा पाँच बराबर 4000, ये जवाब आया हमारा 4000। उसी तरह देखो बच्चों, 20 जरा 300। अब 20 में एक सिफर है, 300 में दो सिफर है, एक दो तीन। तो हम क्या करेंगे बच्चों? एक दो तीन, तीनों सिफर लगा देंगे। अब दो का पहाड़ा तीन तक पड़ेंगे। दो एक का दो, दो दो चार, दो दिया छः, तो हमारा जवाब आया 20 जरब 300 बराबर 6000। तो देखो बच्चों, सिफर क्या है? अलामत जहाँ पर भी सिफर हो तो ये हिसाब जरब का अमल बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इसको जरबी सूरत में किस तरह करते हैं। 53 जरब 8 बराबर हमारा जवाब कितना आएगा? तो देखो 53 इकाई दहाई और जरब 8, तो ये जरब की अलामत हम यहाँ लगा देंगे। अब किससे जरब दे रहे हैं हम? 8 से, तो ये 8 लिख देंगे। अब 53 है, इसमें इकाई क्या है? 3 है, तो 3 के 3। दहाई क्या है? 5 है, 5 दहाई। दहाई यानी क्या होता है बच्चों? दहाई यानी 10, एक दहाई यानी 10, तो 5 दहाई यानी 50। तो आप देखेंगे बच्चों हम इसको हल करेंगे। अब 8 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है हमें। 8 एक 8, 16, 8 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24, इसी के नीचे लिखना है बराबर। अब 8 का पहाड़ा 50 तक पढ़ेंगे। अब हम इतना 50 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब यहाँ सिफर नहीं है, यहाँ सिफर है, तो ये सिफर हम यहाँ लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा सिर्फ 5 तक पढ़ना है, क्योंकि ये 50 का सिफर हमने यहाँ लगा दिए। अब 8 एक 8, 8 दुए 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। हो गया हमारा जवाब? नहीं।
अब इसके हमें क्या करना है बच्चों, जमा करना है। तो ये कितने हैं, 400, ये हम 400 लिखेंगे। अब ये कितने हैं, 24, तो 24 कैसा लिखेंगे बच्चों हम, 24 ये क्या है, इकाई है 4, तो इकाई के खाने में हम 4 लिखेंगे। दहाई क्या है, 2, तो दहाई के खाने में 2 लिखेंगे। सैकड़ा में कुछ नहीं है इसलिए हमें कुछ भी नहीं लिखना है। लिखते वक्त ध्यान दे, इकाई के खाने में इकाई, दहाई के खाने में दहाई, अगर सैकड़ा हो तो सैकड़ा के खाने में लिखे, अगर हम इस तरह से ना लिखे तो हमारा जवाब गलत होगा। इसलिए इकाई दहाई का अलामतों का ध्यान दे, इकाई दहाई लिखे बराबर अलामत लगाए, हमें क्या लिखना करना है, जमा। तो अभी इनकी जमा करेंगे। अब सिफर है, सिफर में हमें 4 मिलाना है, सिफर है यानी कुछ भी नहीं है, तो 4 के 4 सिफर जमा 2, सिफर कुछ नहीं है यानी 2 के 2, 4 के 4 क्योंकि यहाँ सैकड़ा में कुछ नहीं है, तो हम 4 के 4, तो हमारा जवाब आया इकाई दहाई सैकड़ा यानी 424। यहाँ पर इकाई की कीमत 4 ही है, दहाई की कीमत 20 है, सैकड़ा की कीमत 400 है। जिस तरह हम मकामी कीमत लिखते हैं ना बच्चों, 420 और 4, उसी तरह यानी 424 ये हमारा इसका जवाब आया। तो हम लिखेंगे 53 + 8 बराबर 424। धान के पौधे लगाते वक्त एक कतार में 244 पौधों के हिसाब से 24 कतारों में पौधे लगाए गए, तो कुल कितने पौधे लगाए गए। देखो बच्चों, धान का खेत है, धान यानी अनाज, अनाज के खेत में 24 कतार है, तो हर कतार में 244 पौधे, तो ऐसे 244 ऐसे 24 कतारों में हमें पौधे लगाना है, तो कुल कितने पौधे लगाना पड़ेंगे। तो हम देखेंगे 244 ज़रब 24, अब इसको हम ज़रब करना है। तो देखो बच्चों, ज़रब की अलामत देंगे, अब यहाँ देखेंगे इकाई दहाई, इकाई में कितने हैं, 4 है, तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे। दहाई यानी 2 यानी 2 दहाई यानी 20, अब यहाँ देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में कितने हैं, 4, दहाई में कितने हैं, 4 यानी दहाई यानी 40, 2 सैकड़ा है, सैकड़ा यानी 100 यानी 200, तो अब इसको हम हल करेंगे। अब पहले हम 20 लेंगे, 20 को 4 से ज़रब देंगे। तो देखो बच्चों, सिफर का तरीका बहुत आसान है, जहाँ पर भी सिफर होता है ना वो पहले ही हम लिख देंगे, जैसा अभी यहाँ सिफर है, यहाँ सिफर नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही सिफर लगाएंगे। अब 2 का पारा 4 तक पढ़ेंगे, 2 एक 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो हमारा जवाब आया 80। अब यहाँ 20 को 40 से ज़रब देंगे, तो देखो बच्चों यहाँ एक सिफर है और यहाँ एक सिफर है, तो ये एक और ये कितने सिफर हो गए, तो हम ये 2 सिफर लगा देंगे। अब 2 का पारा 4 तक पढ़ना है, 2 एक 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो हम ये 8 लिख देंगे। अब 20 को 200 से ज़रब देना है, तो यहाँ एक सिफर है और यहाँ एक 2 सिफर है, ये 2 और ये कितने हो गए बच्चों, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 सिफर लगा देंगे। अब 2 का पारा 2 तक पढ़ना है, 2 एक 2, 2 2 4, तो अभी हमने 20 से ज़रब दे दिए, अब क्या बचा, 4, अब 4 से हमको 4 को ज़रब देना है, तो 4 का पारा 4 तक पढ़ेंगे, 4 एक 4, 4 2 8, 4 के 12, 4 4 16, तो हम ये लिखेंगे 16। अब 4 का पारा 40 तक पढ़ना है, इधर सिफर नहीं है, यहाँ एक सिफर है, तो हम क्या करेंगे, एक सिफर लगा देंगे। 4 का पारा 4 तक पढ़ो, 4 एक 4, 4 2 8, 4 के 12, 4 4 16, तो हम लिखेंगे 16। अब 4 का पारा 200 तक पढ़ना है, यहाँ सिफर नहीं है, यहाँ 2 सिफर है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 सिफर पहले लगा लेंगे। अब 4 का पारा 2 तक पढ़ेंगे, 4 एक 4, 4 2 8, तो यहाँ कितने लगाए, 8। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये सब अदद की जमा करना है, पहले कितना है, 4000 है, तो देखो बच्चों ये 4000 है, 4000 लिए हमने, अब ये कितने हैं, 800, यहाँ 1000 है और यहाँ 800 है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, 800,
अब ये दोनों हो गए, अब ये 800 फिर दोबारा उसी के नीचे इकाई दहाई सैकड़ा, अब यहाँ 160 इकाई दहाई सैकड़ा, अब यहाँ 80 इकाई दहाई, अब यहाँ इकाई दहाई। अब ये सब के हमें क्या करना है, जमा करना है। देखो बच्चों ये 4000 जमा 800 जमा फिर 800 फिर 160 फिर 80 और फिर 16, ये सब की जमा करेंगे तो हमारा जवाब कितना आता है वापस से यहाँ देखेंगे। ये सिफर में सिफर 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 और यहाँ 6 है तो हम सिर्फ 6 लिखेंगे, यहाँ सिफर सिफर यहाँ 6 और 8, 6 और 8 कितने होते बच्चों, 6 और 8 14 और 1 15 के 5 हासिल आया 1। हम उसके ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा के, हमने दहाई का अमल किए तो सैकड़ा के ऊपर लगी बात। अब 8 और 8 16 16 और 1 17 17 में हासिल का 1 मिला है 18 18 के 8 हासिल आया 1। अब ये सैकड़ा का हासिल 1000 पे लगेगा, अब यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 और 1 5 तो हमारा जवाब आया 5856। तो धान के पौधे एक कतार में 244 पौधे है तो 24 कतारों में कुल 5856 पौधे लगेंगे। तो देखो बच्चों ये अमल जो भी करा हुआ है जर का, इसे ध्यान दो, बार बार देखो और इसको हल करो, खुद से बार बार मशक हल करेंगे तो बच्चों ये हिसाब उनको समझ में आएगा। इसलिए ये हिसाब को मशक बार बार करो, और इससे पहले भी जो हमने मशक भी करे थे जमा की तफरीक की वो भी मशक बार बार करो, और 2 से 20 तक पहाड़े अच्छे से याद करो।